बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती की ओर से लखनऊ में हुई पार्टी की बैठक में एक बड़ा ऐलान किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। ये बैठक रविवार को लखनऊ में बुलाई गई। इस दौरान पार्टी के विधानमंडल दल के नेता उमाशंकर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के अलावा सभी 28 राज्यों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मायावती ने हाल ही में 4 राज्यों में हुए चुनाव की कमान भी आकाश को सौंपी थी। इसी से ये तय माना जा रहा था कि आकाश पार्टी में नंबर 2 हैं। इसके अलावा मायावती राजनीतिक तौर पर खुद ज्यादा एक्टिव ना होकर आकाश को ही अहम जिम्मेदारियां दे रही थी। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान ही यूपी में उन्होंने चुनिंदा रैलियां की थी। लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद पदाधिकारियों के साथ बैठक बुलाई थी। इस बैठक में 28 राज्यों से पदाधिकारी शामिल हुए। पदाधिकारियों ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव को लेकर अब तक किए गए कामों की रिपोर्ट पेश की। बीएसपी प्रमुख ने पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर से लेकर प्रदेश के कोऑर्डिनेटरों से लोकसभा की तैयारी की रिपोर्ट मांगी थी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लखनऊ में बीएसपी की बैठक से बड़ा सियासी संदेश दिया गया है। वहीं बीएसपी की ओर से प्रेस रिलीज करके ये बताया कि बीएसपी किसी भी गठबंधन के साथ नहीं है। वो 2024 में अकेले मैदान में उतरेगी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि मायावती गठबंधन को लेकर कोई भी फैसला अंतिम समय पर ही लेंगी।